हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस। आई एम विनय राजपूत। और पिछली क्लास में मैंने आपको बायोलॉजी में किडनी पे बात की, और किडनी अल्टीमेटली बात करें तो किडनी की मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी है, और किडनी की फंक्शंस मैंने बता दी है, कैसी किडनी के बेसिक कॉम्पोनेंट मैंने बता दी है। आज मैं आपको किडनी पे रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं वो बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आरआरबी तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपको जानना भी चाहिए। तो नेफ्रॉन की जो बात मैंने की थी पिछली क्लास में, नेफ्रॉन यहीं से मैंने छोड़ा था आपको, व्हाट इज नेफ्रॉन, और यूरिनी फेरस टिब्यूल के नाम से भी जाना जाता है, यूरिनी फेरस टिब्यूल। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, ये किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जैसे कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरीके से हमारा नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो नेफ्रॉन की बात मैं आपसे करता हूं, थोड़ी जानकारी नेफ्रॉन का दूंगा। तो नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया था कि इच किडनी, हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। हमारे पास एक पेयर किडनी का होता है, किडनी बीन शेप्ड होती है, 1 पेयर किडनी हमारे ह्यूमन बींग में पाया जाता है, और इच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। थोड़ी सी बात उस पर करते हैं, नेफ्रॉन्स। अगर नेफ्रॉन्स की बात करूं तो मैं आपको पढ़ा दिया नेफ्रॉन्स के बारे में, याद कीजिए बोमेंस कैप्सूल, याद कीजिए ग्लोमेरुलस, याद कीजिए पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। यहां तक मैंने आपको बता दिया था। इसमें थोड़ी चीजें मैं आपको बता लेता हूं कि नेफ्रॉन को अगर स्टडी करना है थोड़ी सी जानकारी, तो इसको हम लोग रीनल कॉर्पसस 2 भाग में कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता भी दिया है, थोड़ा सा और इलाबोरेट कर रहा हूं। रीनल कॉर्पसस या मेल्पिगियन या इसको पिग्मेलियन कॉर्पसल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो रीनल कॉर्पसल्स बोल सकते हैं इसको, रीनल कॉर्पसल बोल सकते हैं, या मेल्पिगियन या पिग्मेलियन कॉर्पसल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, पिग्मेलियन कॉर्पसल। इसके अंदर में आते हैं हमारे दो बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, बोमेंस कैप्सूल, और एक आता है ग्लोमेरुलस, कैपिलरी का जाल, ग्लोमेरुलस। ये आते हैं आपका ग्लोमेरुलस, ये आपका इनमें आते हैं। और दूसरा जो पार्ट है रीनल टिब्यूल, दूसरा पार्ट है रीनल टिब्यूल। तो ये 2 भाग होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, मैंने आपको बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पिछली क्लास में बताया है, जो कि इनके पार्ट होते हैं। और दूसरा पार्ट है रीनल कैप्सूल, रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के अंदर क्या क्या आता है? रीनल टिब्यूल के अंदर आपको पीसीटी मिल जाएगा, बताया था मैंने पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले मिल जाएगी, उसके बाद डीसीटी मिल जाएगा, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ये सब मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा पोर्शन आपका ये रीनल टिब्यूल का है, जो मैंने आपको समझा दिया है। जस्ट थोड़ी सी जानकारी इसमें मैं देता हूं। और पीसीटी पे आरआरबी जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीसीटी में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, बिकॉज पीसीटी का काम एब्जॉर्प्शन करना है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई कोशिका ऐसी है जिसकी क्वालिटी एब्जॉर्प्शन में ज्यादा अच्छी होगी, जिसकी डिजाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए बना होगा, ठीक है ना, किया गया होगा। तो ये है पीसीटी की क्वालिटी जो मैं आपको बताता हूं। तो पहले इसकी थोड़ी और जानकारी देता हूं, फिर इस पे आके आपको बताता हूं, ठीक है? तो इसको नोट कर लेंगे, इतना नोट कर लो आप, ताकि मैं आगे लेके चलूं आपको। हाँ, ये जरूर है कि हमारे नेफ्रॉन की लंबाई जो होती है, नेफ्रॉन की वो लेंथ कितनी होती है हमारे ह्यूमन में? 45 से 65 मिलीमीटर के आसपास होती है ह्यूमन के अंदर। इंसानों के अंदर नेफ्रॉन की लंबाई कितनी है? 45 से 65 मिलीमीटर। पीसीटी कितना है उसमें? 15 मिलीमीटर, बताया था मैंने। लूप ऑफ हेनले कितना है? 15 से 25 मिलीमीटर। डीसीटी कितना है? लूप ऑफ हेनले 15 से 25 मिलीमीटर। डीसीटी कितना है? 5 मिलीमीटर। डीसीटी कितना है? 5 मिलीमीटर। एंड सीटी कितना है? 15 मिलीमीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया? लॉन्गेस्ट सेगमेंट लूप ऑफ हेनले, और सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट नेफ्रॉन का डीसीटी। बस ये मैंने आपको बताया था, सबसे लंबाई ये, सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया। आते हैं फटाफट, हमने डिजीज भी कंप्लीट करना है, मैंने सब कुछ समझा दिया था आपको, रिवाइज करा दिया, थोड़ा मैंने और इलाबोरेट कर दिया है ना, चीजें आपको और समझ में आने लगे। देखते हैं बोमेंस कैप्सूल की बात।
ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है, कैप्सूल नुमा दिख रहा है, ठीक है। यहां से एक आर्ट्रियोल आती है और यहां पे उनका जाल बन जाता है, बताया था मैंने, ग्लोमेरुलस, और यहां से ये बाहर निकल जाती है। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, बाहर निकल रही है। एफरेंट आर्टेरियोल जो होती है वो बोमेंस कैप्सूल, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। एफरेंट आर्टेरियोल बोमेंस कैप्सूल की कैविटी को ब्लड सप्लाई करता है, और ये जो एफरेंट आर्टेरियोल अंदर आया बोमेंस कैप्सूल के अंदर, और जो इसका जाल बन गया, रेटिकुलम बन गया, इसी को जाल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इसी जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। इट इज नथिंग बट द कैपिलरी, ये कैपिलरी का जाल है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि ये आपका पीसीटी का पोर्शन है, याद है मैंने बताया था, यहां पे सेल्स होती है कुछ ऐसी, कुछ ऐसी। ये आरआरबी तक में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कैसा सेल है, ऐसा लग रहा है ब्रश होता है ना, ब्रश कपड़े साफ करने वाले, तो ब्रश जैसा निकला हुआ है सेल से। इनमें क्या होता है, ब्रश जैसे इसमें आपका एपीरियंस दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम। किस प्रकार की सेल पाई जाती है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ध्यान रखेंगे किस प्रकार की इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम इसके अंदर में आपको मिलेगा, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो क्यूबॉइडल शेप कैसा है, ये क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल शेप है, तो इसमें लिखेंगे पीसीटी में जो सेल्स होते हैं उसका शेप क्या होता है, शेप होता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथीलियल सेल, एपिथीलियल सेल क्यूब टाइप का है, और ब्रश जैसा दिख रहा है तो ब्रश बॉर्डर्ड है, ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम है। तो ब्रश बॉर्डर्ड ये कोशिकाएं होती हैं, तो क्या होता है कि जो चीजें यहां से फिल्टर होके आ रही है, जो चीजें फिल्टर होके आ रही है ना, फिल्टर, वो फिल्टरेट इसमें आ रही है, मूव कर रही है, पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो ये यहां पे एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होना तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कोशिका है जिसमें ब्रश बॉर्डर हो, ब्रश जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा हो, ब्रश जो कपड़े धोने वाली ब्रश होती है, समझ जाओ वैसा कुछ, तो क्या होगा, उसमें चीजें एब्जॉर्ब इजीली हो जाएंगी। तो क्योंकि पीसीटी का काम एब्जॉर्प्शन भी है, तो एब्जॉर्ब करने वाली कोशिकाएं भी होनी चाहिए जो एब्जॉर्प्शन करा पाए, इसीलिए यहां पे जो कोशिका होती है उसका शेप है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस प्रकार की कोशिका पीसीटी में पाया जाता है, और साथ में इसका जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस कैसा है इसका, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है, ब्रश नुमा दिख रहा है ये, इसलिए हम इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें ये छोटे छोटे जो दिख रहा है ना, ऐसे 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 रसांकुर, रसांकुर होते हैं ना, माइक्रोविलाई टाइप का, इसमें माइक्रोविलाई होता है, माइक्रोविलाई, इसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, इसके ऊपर रसांकुर होते हैं, सुना होगा, विलाई जो होते हैं इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, आंतों में पाए जाते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। यहां पे भी एब्जॉर्प्शन कराना है, अवशोषण कराना है, जो फिल्टर होकर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करना है, उसके लिए भी यहां पे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्यूबॉइडल एपिथीलियल सेल विथ माइक्रोविलाई, विथ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई होते हैं, रसांकुर जो बोलते हैं, ठीक है ना, उस टाइप का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये पीसीटी की पोर्शन होगी जो आपको जानना चाहिए। पीसीटी की बात करूं तो बहुत सारे सब्सटेंस यहां पे एब्जॉर्ब होते हैं पीसीटी के अंदर, बहुत सारे सब्सटेंस यहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी में, ठीक है, और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी के अंदर ही होता है, पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी के अंदर, पीसीटी में ही मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है चीजों का, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रही है, ध्यान रखेंगे। पीसीटी में 80% पानी का है रीएब्जॉर्ब होता है, 80% पानी, 80% पानी आपका वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जो पानी यहां से आई यहां से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, 80% पानी, 70% सोडियम, 70% सोडियम, 70% सोडियम आयन एब्जॉर्ब हो जाता है यहां पे, 75% पोटेशियम आयन, आइडिया लग रहा है, 75% पोटेशियम आयन यहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, 75% के आसपास में जितने भी ग्लूकोज है, जो भी ग्लूकोज आपका यहां से फिल्टर हुआ है, इंटायर ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड सब के सब यहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, इंटायर ग्लूकोज, इंटायर ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहां पे,
इसलिए मैंने बोला मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होता है, क्योंकि पीसीटी के अंदर सेल्स पाए जाते हैं क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। इनकी अपीयरेंस ऐसा लगता है कि ब्रश जैसा अपीयरेंस है, उसमें चीजें इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी और उसके अंदर माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं जो आपके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, आंतों के अंदर भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजों को एब्जॉर्ब कराने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैंने इंटेस्टाइन आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। ये हो गया, तो 80% पानी, 70% सोडियम, 75% पोटेशियम, इंटायर ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यूरिया एंड विटामिन सी तक एब्जॉर्ब हो जाती है। यहां पे यूरिया यूरिया एंड विटामिन सी उसको भी रीएब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि चीजों का यहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यूरिया एंड विटामिन सी भी यहां पे क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होती है उसका नाम है क्रिटीन, सी आर ई ए, क्रिटीन और सल्फेट यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। दो चीज पीसीटी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्रिटीन और सल्फेट यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है ना, क्रिटीन और सल्फेट जो है यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये था इतना जो आपको जानना चाहिए था, इसके आगे आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये आपका पीसीटी है, यहां से फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद ब्लड जो यहां से आ रही है, फिल्टरेट जो आ रहा है, वो फिल्टरेट यहां से पास किया डीसीटी से, लेकिन डीसीटी में हमारी कोशिकाएं हैं क्यूबॉइडल शेप की है, इसमें ब्रश जैसा अपीयरेंस है, माइक्रोविलाई भी उसके अंदर में है, वो चीजों का रीएब्जॉर्प्शन कराएगी, पानी इतना, सोडियम इतना, पोटेशियम इतना, साथ में आपका यूरिया, विटामिन सी, इंटायर ग्लूकोज, एमिनो एसिड सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बस क्रिएटिन और सल्फेट को छोड़ दो, बाकी सब रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, उसके बाद आपका लूप ऑफ हेल्ले आती है, फिर डीसीटी आती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है। मैंने सब कुछ समझा दिया पिछली क्लास में, बस मुझे ये बताना था क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, किस प्रकार की कोशिका पीसीटी में पाई जाती है, क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाते हैं, दैट्स इट, क्यूब टाइप के हैं ना, क्यूब टाइप के हैं, घन टाइप के हैं, इसलिए क्यूबॉइडल सेल्स, शेप के आधार पर बोला गया क्यूबॉइडल सेल्स, ये नोट कर लो आप जो कि आपको जानना चाहिए। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में लेके आती है, फिर यहां से एक जाल बनता है कैपिलरी का, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये फिर बाहर एफरेंट आर्टेरियोल के फ्रूट में बाहर निकल जाती है। ग्लोमेरुलस कैप्सूल एक जाल है, किसका, ग्लोमेरुलस एक प्रकार का जाल है कैपिलरी का, और बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये होते हैं, यहीं से ब्लड फिल्टर होती है और फिल्टर होकर फिर आगे बढ़ती, फिल्ट्रेट जो होता है वो आगे की ओर नीचे आते जाता है, चीजें एब्जॉर्ब होती जाती हैं, जो काम की है, जो काम की चीजें उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालना है, जो काम की नहीं है उसको बाहर निकालो, जाहिर सी बात है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो जो काम की चीजें इसमें आ चुकी है ना उसको एब्जॉर्ब करना होता है, इसीलिए पीसीटी में आप देख रहे हो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये सब काम की चीजें हैं, पानी नहीं बाहर जाना चाहिए ज्यादा, एक लिमिट तक पानी बाहर जाती है, एक लिमिट से ज्यादा पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, वो काम की चीजें, सोडियम पोटेशियम ये सारी चीजें काम की है, इसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है, ब्लड के अंदर वापस इसको ले जाया जाएगा ब्लड के अंदर, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका किससे रिलेटेड, आपका हो गया ये किडनी से रिलेटेड बेसिक जानकारी, और जाननी थी ये मैंने आपको बता दिया। बोमेंस कैप्सूल ध्यान रखेंगे, बोमेंस कैप्सूल क्वेश्चन पूछे कहां पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है, किडनी के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बोमेंस मेम्ब्रेन की बात की जाए, बोमेंस झिल्ली या आपके कॉर्निया आई में पाई जाती है, इन द आई ऑफ कॉर्निया, तो कॉर्निया में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, इन द कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर बोमेंस मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बोमेंस ग्लैंड भी होती है, बोमेंस ग्रंथि, वो आपके नोज में पाई जाती है, म्यूकस बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। तीन चीज है, बोमेंस कैप्सूल किडनी के अंदर, बोमेंस मेम्ब्रेन आईज में कॉर्निया के पास, और तीसरा बोमेंस ग्लैंड जो कोई आपको पाया जाता है नोज के अंदर, नाक में पाई जाती है, वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है, दैट्स इट, तीन है, बोमेंस साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखेंगे उनके नाम के आधार पे। तो वोमेंस कैप्सूल, वोमेंस मेम्ब्रेन, वोमेंस ग्लैंड एंड वोमेंस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब आते हैं डिजीज या डिसऑर्डर किसकी, किडनी की। तो पहला बीमारी जो बात करें अगर किडनी की बात करें तो ए न्यूरिया पहली बीमारी है, ए न्यूरिया क्या होगा, ए पहले लग गया है तो इट इज मतलब इसका एब्सेंस है, इट इज ड्यू टू किडनी फेलियर। ए न्यूरिया क्यों होता है, इट इज ड्यू टू
किडनी फेलियर, इट इज ड्यू टू किडनी फेलियर एन यूरिया हो जाएगी, ठीक है। ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया, इट इज ओलिगो मतलब थोड़ा होता है कुछ सम, तो इट इज स्कैंटी यूरिन, इसको मतलब थोड़ा थोड़ा यूरिन आना है, स्कैंटी यूरिन, हल्का हल्का यूरिन आ रही है, हल्का हल्का यूरिन आ रहा है, ओलिगो यूरिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। पॉली यूरिया, पॉली यूरिया होगा तो क्या होगा, पॉली मतलब बहुत होता है, मेनी, पॉली यूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिन, ज्यादा यूरिन आ रही है, एक्सेसिव यूरिन, एक्सेसिव यूरिन, पॉली यूरिया, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ग्लाइकोसूरिया, चौथा ग्लाइकोस यूरिया, या इसको ग्लूकोस यूरिया के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब है ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में क्या आ रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज इन यूरिन, ब्लड में एक लेवल से ज्यादा अगर ग्लूकोज बढ़ जाती है तो वो ग्लूकोज फिर यूरिन में रिफ्लेक्ट होती है, यूरिन में दिखती है, ये चीजें आपको जाननी चाहिए। ब्लड में एक लेवल से ज्यादा ग्लूकोज को रिटेन किया जाता है, अगर एक लेवल से ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज हो जाए तो वो ग्लूकोज यूरिन के अंदर आने लगता है और फिर उसको बोलते हैं ग्लाइकोस यूरिया, ग्लाइको यूरिया या ग्लूकोस यूरिया, दोनों नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोस यूरिया या ग्लूकोस यूरिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहां ग्लाइको है या ग्लूको है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही टर्म है, ग्लूकोज इन यूरिन, ये ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, ये ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें हैं। उसके बाद पांचवा बात करें प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, इसका मतलब क्या होगा, प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन में प्रोटीन आ जाना, प्रोटीन इन यूरिन क्या हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, प्रोटीन इन यूरिन। हिमैट यूरिया, हिमैट यूरिया क्या होगा, हिमैटी यूरिया, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आ जाना, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आ जाना, हिमैट यूरिया होती है, ब्लड इन यूरिन, ठीक है, हिमैट यूरिया। उसके बाद सिस्टाइटिस होती है, सिस्टाइटिस क्या होता है, सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, सिस्टाइटिस। नेफ्राइटिस भी होती है, इन्फ्लामेशन इन किडनी एंड नेफ्रॉन्स, नेफ्राइटिस के नाम से जाना जाता है, यहां लिख देता हूं मैं नेफ्राइटिस, ये क्या है, इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन्स, इन्फ्लामेशन उसमें नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन्स। इन्फ्लामेशन के बारे में मैंने कई बार बताया आपको, कई बार इन्फ्लामेशन के चार लक्षण होते हैं, मैंने आपको बता दिया है सब, बहुत बार बताया आपको, बायोलॉजी पढ़ाते वक्त मैंने बहुत बार बताया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया नेफ्राइटिस। एक होता है रीनल कैलकुली, रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, किडनी स्टोन बोलते हैं इसको, किडनी स्टोन हो गया, किडनी में क्या हो गई, स्टोन हो गई, रीनल कैलकुलाई के नाम से जाना जाता है, किडनी स्टोन, ये ध्यान रखेंगे, रीनल कैलकुलाई। अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है, तो वो मोर अमाउंट ऑफ यूरिया यूरिन से एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, यूरिया कंटेंट ज्यादा निकलता है उसकी यूरिन के थ्रू, क्योंकि अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइट ले रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसके यूरिन में यूरिया का कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यूरिया वगैरह बनते हैं, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये था आपका आज का, दैट्स इट, किडनी के बारे में पूरा कंप्लीट। अब मैं डायबिटीज पे कुछ चीजें आपको बताऊंगा, किडनी से रिलेटेड कुछ डायबिटीज बीमारी होती है, डायबिटीज इनसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस भी होती है, टाइप 1 टाइप 2, उसकी मैं आपसे धीरे धीरे बात करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होती है, हड्डियों के बारे में देखेंगे कि हमारा एक्सोस्केलेटन क्या है, एंडोस्केलेटन क्या है, उसके बाद आपका स्केलेटन के टाइप्स कैसे हैं, किस तरीके से हम पढ़ते हैं, ये भी एक्सियल स्केलेटन क्या होते हैं, उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं, कितने हड्डियां होती हैं, 206 हड्डी है हमारे, 206 हड्डी क्या अभी हमारे बॉडी में है, क्या 206 हड्डी या किसी उम्र में जाके 206 हड्डी आती है, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, मैंने पूरी कवरेज आपको दी है, इससे ज़्यादा आपको कहीं एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, आपको इससे ज़्यादा किडनी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, और जो भी लोग लेक्चर देख रहे हैं जरूर लाइक करेंगे,
आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ और कंटेंट में अच्छी कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए, कंटेंट बहुत बेहतरीन है, आप अगर एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कंटेंट पता चलेगा कि यस इट इज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू JPIS। आई एम विनय राजपूत और पिछली क्लास में मैंने आपको बायोलॉजी में किडनी पे बात की और किडनी अल्टीमेटली बात करें तो किडनी की मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी है और किडनी की फंक्शंस मैंने बता दी है, कैसी किडनी के बेसिक कंपोनेंट मैंने बता दी है। आज मैं आपको किडनी पे रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं वो बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, RRB तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको जानना भी चाहिए। तो नेफ्रॉन की जो बात मैंने की थी पिछली क्लास में, नेफ्रॉन यहीं से मैंने छोड़ा था आपको, व्हाट इज नेफ्रॉन, और यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल के नाम से भी जाना जाता है, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, ये किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जैसे कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरीके से हमारा नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो नेफ्रॉन की बात मैं आपसे करता हूं, थोड़ी जानकारी नेफ्रॉन का दूंगा। तो नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया था कि इच किडनी, हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। हमारे पास एक पेयर किडनी का होता है, किडनी बीन शेप्ड होती है, 1 पेयर किडनी हमारे ह्यूमन बींग में पाया जाता है और इच किडनी कंटेंस 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। थोड़ी सी बात उस पर करते हैं, नेफ्रॉन्स, अगर नेफ्रॉन्स की बात करूं तो मैं आपको पढ़ा दिया है नेफ्रॉन्स के बारे में, याद कीजिए बोमेंस कैप्सूल, याद कीजिए ग्लोमेरुलस, याद कीजिए PCT, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। इसमें थोड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि नेफ्रॉन को अगर स्टडी करना है थोड़ी सी जानकारी, तो इसको हम लोग रीनल कॉर्पसल्स 2 भाग में कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता भी दिया है, थोड़ा सा और इलाबोरेट कर रहा हूं, रीनल कॉर्पसल्स या मेलपिगियन या इसको पिग्मेलियन कॉर्पसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो रीनल कॉर्पसल्स बोल सकते हैं इसको, रीनल कॉर्पसल बोल सकते हैं या मेलपिगियन या पिग्मेलियन कॉर्पसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, पिग्मेलियन कॉर्पसल। इसके अंदर में आते हैं हमारे दो, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, बोमेंस कैप्सूल, और एक आता है ग्लोमेरुलस, कैपिलरी का जाल, ग्लोमेरुलस, ये आते हैं आपका ग्लोमेरुलस, ये आपका इनमें आते हैं। और दूसरा जो पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल, दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। तो ये 2 भाग होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, मैंने आपको बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पिछली क्लास में बताया है जो कि इनके पार्ट होते हैं। और दूसरा पार्ट है रीनल कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या आता है? रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आपको PCT मिल जाएगा, बताया था मैंने PCT, उसके बाद लूप ऑफ हेनले मिल जाएगी, उसके बाद DCT मिल जाएगा, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, ये सब मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा पोर्शन आपका ये रीनल ट्यूब्यूल का है जो मैंने आपको समझा दिया है। जस्ट थोड़ी सी जानकारी इसमें मैं देता हूं। और PCT पे RRB जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि PCT में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, बिकॉज PCT का काम एब्जॉर्प्शन करना है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई कोशिका ऐसी है जिसकी क्वालिटी एब्जॉर्प्शन में ज्यादा अच्छी होगी, जिसकी डिजाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए बना होगा, ठीक है ना, किया गया होगा। तो ये है PCT की क्वालिटी जो मैं आपको बताता हूं, तो पहले इसकी थोड़ी और जानकारी देता हूं, फिर इस पे आके आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, इतना नोट कर लो आप ताकि मैं आगे लेके चलूं आपको। हाँ, ये जरूर है कि हमारे नेफ्रॉन की लंबाई जो होती है, नेफ्रॉन की वो लेंथ कितनी होती है हमारे ह्यूमन में? 45 से 65 मिलीमीटर के आसपास होती है ह्यूमन के अंदर। इंसानों के अंदर नेफ्रॉन की लंबाई कितनी है? 45 से 65 मिलीमीटर। PCT कितना है उसमें? 15 मिलीमीटर, बताया था मैंने। लूप ऑफ हेनले कितना है? 15 से 25 मिलीमीटर। DCT कितना है? लूप ऑफ हेनले 15 से 25 मिलीमीटर। DCT कितना है? 5 मिलीमीटर। DCT कितना है? 5 मिलीमीटर। एंड CT कितना है? 15 मिलीमीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया? लॉन्गेस्ट सेगमेंट लूप ऑफ हेनले,
और सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट नेफ्रॉन का डीसीटी, बस ये मैंने आपको बताया था, सबसे लंबा ये, सबसे स्मॉलेस्ट ये, हो गया। आते हैं फटाफट, हमने डिजीज भी कंप्लीट करना है, मैंने सब कुछ समझा दिया था आपको, रिवाइज करा दिया, थोड़ा मैंने और इलाबोरेट कर दिया है ना, चीजें आपको और समझ में आने लगे। देखते हैं बोमेंस कैप्सूल की बात, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है, कैप्सूल नुमा दिख रहा है, ठीक है, यहां से एक आर्ट्रियोल आती है और यहां पे उनका जाल बन जाता है, बताया था मैंने ग्लोमेरुलस, और यहां से ये बाहर निकल जाती है। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, बाहर निकल रही है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है वो बोमेंस कैप्सूल, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल, एफरेंट आर्ट्रियोल बोमेंस कैप्सूल की कैविटी को ब्लड सप्लाई करता है, और ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर आया बोमेंस कैप्सूल के अंदर, और जो इसका जाल बन गया, रेटिकुलम बन गया, इसी को जाल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, इसी जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं, इट इज नथिंग बट द कैपिलरी, ये कैपिलरी का जाल है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि ये आपका पीसीटी का पोर्शन है, याद है मैंने बताया था, यहां पे सेल्स होती हैं कुछ ऐसी, कुछ ऐसी, ये आरआरबी तक में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कैसा सेल है, ऐसा लग रहा है ब्रश होता है ना, ब्रश कपड़े साफ करने वाले, तो ब्रश जैसा निकला हुआ ऐसे ऐसे, इनमें क्या होता है ब्रश जैसे, इसमें आपका एपीरियंस दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथिलियम। किस प्रकार की सेल पाई जाती है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ध्यान रखेंगे किस प्रकार की इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम इसके अंदर में आपको मिलेगा, ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो क्यूबॉइडल शेप कैसा है, ये क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल शेप है, तो इसमें लिखेंगे पीसीटी में जो सेल्स होते हैं उसका शेप क्या होता है, शेप होता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथिलियल सेल, एपिथिलियल सेल क्यूब टाइप का है, और ब्रश जैसा दिख रहा है तो ब्रश बॉर्डर्ड है, ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथिलियम है, तो ब्रश बॉर्डर्ड ये कोशिकाएं होती हैं, तो क्या होता है कि जो चीजें यहां से फिल्टर होके आ रही है, जो चीजें फिल्टर होके आ रही है ना, फिल्टर, वो फिल्टरेट इसमें आ रही है, मूव कर रही है, पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो ये यहां पे एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होना तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कोशिका है जिसमें ब्रश बॉर्डर हो, ब्रश जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा हो, ब्रश जो कपड़े धोने वाली ब्रश होती है, समझ जाओ वैसा कुछ, तो क्या होगा उसमें चीजें एब्जॉर्ब इजीली हो जाएंगी। तो क्योंकि पीसीटी का काम एब्जॉर्प्शन भी है, तो एब्जॉर्ब करने वाली कोशिकाएं भी होनी चाहिए जो एब्जॉर्प्शन करा पाए, इसीलिए यहां पे जो कोशिका होती है उसका शेप है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस प्रकार की कोशिका पीसीटी में पाया जाता है, और साथ में इसका जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस कैसा है इसका, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है, ब्रश नुमा दिख रहा है ये, इसलिए हम इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें ये छोटे छोटे जो दिख रहा है ना, ऐसे 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 रसांकुर, रसांकुर होते हैं ना, माइक्रोविलाई टाइप का, इसमें माइक्रोविलाई होता है, माइक्रोविलाई, इसमें माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं, इसके ऊपर रसांकुर होते हैं, सुना होगा, विलाई जो होते हैं इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, आंतों में पाए जाते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, यहां पे भी एब्जॉर्प्शन कराना है, अवशोषण कराना है, जो फिल्टर होके आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करना है, उसके लिए भी यहां पे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्यूबॉइडल एपिथिलियल सेल विथ माइक्रोविलाई, विथ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई होते हैं, रसांकुर जो बोलते हैं, ठीक है ना, उस टाइप का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये पीसीटी की पोर्शन होगी जो आपको जानना चाहिए। पीसीटी की बात करूं तो बहुत सारे सब्सटेंस यहां पे एब्जॉर्ब होते हैं पीसीटी के अंदर, बहुत सारे सब्सटेंस यहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी में, ठीक है, और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी के अंदर ही होता है, पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी के अंदर, पीसीटी में ही मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है चीजों का, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रही है, ध्यान रखेंगे। पीसीटी में 80% पानी का है रीएब्जॉर्ब होता है, 80% पानी, 80% पानी आपका वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जो पानी यहां से आई यहां से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, 80% पानी, 70% सोडियम, 70% सोडियम,
70% सोडियम आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहां पे, 75% पोटेशियम आयन, आइडिया लग रहा है, 75% पोटेशियम आयन यहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं 75% के आसपास में। जितने भी ग्लूकोज है, जो भी ग्लूकोज आपका यहां से फिल्टर हुआ है, इंटायर ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड सब के सब यहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, इंटायर ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहां पे। इसलिए मैंने बोला मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होता है, क्योंकि पीसीटी के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। इनकी अपीयरेंस ऐसा लगता है कि ब्रश जैसा अपीयरेंस है, उसमें चीजें इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और उसके अंदर माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं जो आपके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, आंतों के अंदर भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजों को एब्जॉर्ब कराने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैंने इंटेस्टाइन आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। ये हो गया, तो 80% पानी, 70% सोडियम, 75% पोटेशियम, इंटायर ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यूरिया एंड विटामिन सी तक एब्जॉर्ब हो जाती है यहां पे, यूरिया एंड विटामिन सी उसको भी रीएब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि चीजों का यहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यूरिया एंड विटामिन सी भी यहां पे क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होती है उसका नाम है क्रिटीन, CREA, क्रिटीन और सल्फेट यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। दो चीज पीसीटी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्रिटीन और सल्फेट यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है ना, क्रिटीन और सल्फेट जो है यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये था इतना जो आपको जानना चाहिए था, इसके आगे आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये आपका पीसीटी है, यहां से फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद ब्लड जो यहां से आ रही है, फिल्टरेट जो आ रहा है, वो फिल्टरेट यहां से पास किया डीसीटी से, लेकिन डीसीटी में हमारी कोशिकाएं हैं क्यूबॉइडल शेप की है, इसमें ब्रश जैसा अपीयरेंस है, माइक्रोविलाई भी उसके अंदर में है, वो चीजों का रीएब्जॉर्प्शन कराएगी, पानी इतना, सोडियम इतना, पोटेशियम इतना, साथ में आपका यूरिया, विटामिन सी, इंटायर ग्लूकोज, एमिनो एसिड सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बस क्रिएटिन और सल्फेट को छोड़ दो, बाकी सब रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, उसके बाद आपका लूप ऑफ हेल्ले आती है, फिर डीसीटी आती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है। मैंने सब कुछ समझा दिया पिछली क्लास में, बस मुझे ये बताना था क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, किस प्रकार की कोशिका पीसीटी में पाई जाती है, क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाते हैं, दैट्स इट, क्यूब टाइप के है ना, क्यूब टाइप के हैं, घन टाइप के हैं, इसलिए क्यूबॉइडल सेल्स, शेप के आधार पर बोला गया क्यूबॉइडल सेल्स, ये नोट कर लो आप जो कि आपको जानना चाहिए। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में लेके आती है, फिर यहां से एक जाल बनता है कैपिलरी का, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये फिर बाहर एफरेंट आर्टेरियोल के रूप में बाहर निकल जाती है। ग्लोमेरुलस कैप्सूल एक जाल है, किसका, ग्लोमेरुलस एक प्रकार का जाल है कैपिलरी का, और बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये होते हैं, यहीं से ब्लड फिल्टर होती है, और फिल्टर होकर फिर आगे बढ़ती है, फिल्टरेट जो होता है वो आगे की ओर नीचे आते जाता है, चीजें एब्जॉर्ब होती जाती हैं, जो काम की है, जो काम की चीजें उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालना है, जो काम की नहीं है उसको बाहर निकालो, जाहिर सी बात है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो जो काम की चीजें इसमें आ चुकी है ना, उसको एब्जॉर्ब करना होता है, इसीलिए पीसीटी में आप देख रहे हो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये सब काम की चीजें हैं, पानी नहीं बाहर जाना चाहिए ज्यादा, एक लिमिट तक पानी बाहर जाती है, एक लिमिट से ज्यादा पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, वो काम की चीज है, सोडियम पोटेशियम ये सारी चीजें काम की है, इसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है, ब्लड के अंदर वापस इसको ले जाया जाएगा, ब्लड के अंदर, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका किससे रिलेटेड, आपका हो गया ये किडनी से रिलेटेड बेसिक जानकारी, और जाननी थी ये मैंने आपको बता दिया। बोमेंस कैप्सूल ध्यान रखेंगे, बोमेंस कैप्सूल क्वेश्चन पूछे कहां पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है, किडनी के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बोमेंस मेम्ब्रेन की बात की जाए, बोमेंस झिल्ली, ये आपके कॉर्निया आई में पाई जाती है, इन द आई ऑफ कॉर्निया, तो कॉर्निया में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, इन द कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर बोमेंस मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बोमेंस ग्लैंड भी होती है, बोमेंस ग्रंथि, वो आपके नोज में पाई जाती है, म्यूकस बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। तीन चीज है, बोमेंस कैप्सूल किडनी के अंदर, बोमेंस मेम्ब्रेन आईज में कॉर्निया के पास, और तीसरा बोमेंस ग्लैंड जो कोई आपको पाया जाता है नोज के अंदर, नाक में पाई जाती है, वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है, दैट्स इट, तीन है, बोमेंस साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखेंगे उनके नाम के आधार पे। तो वोमेंस कैप्सूल, वोमेंस मेम्ब्रेन, वोमेंस ग्लैंड एंड वोमेंस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब आते हैं डिजीज एंड डिसऑर्डर, डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ किडनी,
डिजीज या डिसऑर्डर, किसकी? किडनी की। तो पहला बीमारी जो बात करें किडनी की बात करें तो ए न्यूरिया, पहली बीमारी है ए न्यूरिया। ए न्यूरिया क्या होगा? ए पहले लग गया है तो इट इज मतलब इसका एब्सेंस है, इट इज ड्यू टू किडनी फेलियर। ए न्यूरिया क्यों होता है? इट इज ड्यू टू किडनी फेलियर, इट इज ड्यू टू किडनी फेलियर ए न्यूरिया हो जाएगी। ठीक है, ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया, इट इज ओलिगो मतलब थोड़ा होता है कुछ सम, तो इट इज स्कैंटी यूरिन, इसको मतलब थोड़ा थोड़ा यूरिन आना है, स्कैंटी यूरिन, हल्का हल्का यूरिन आ रही है, हल्का हल्का यूरिन आ रहा है, ओलिगो यूरिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। पॉली यूरिया, पॉली यूरिया होगा तो क्या होगा? पॉली मतलब बहुत होता है, मेनी, पॉली यूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिन, ज्यादा यूरिन आ रही है, एक्सेसिव यूरिन, एक्सेसिव यूरिन, पॉली यूरिया, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ग्लाइकोसूरिया, चौथा ग्लाइकोस यूरिया, या इसको ग्लूकोस यूरिया के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब है ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में क्या आ रहा है? ग्लूकोज, ग्लूकोज इन यूरिन, ब्लड में एक लेवल से ज्यादा अगर ग्लूकोज बढ़ जाती है तो वो ग्लूकोज फिर यूरिन में रिफ्लेक्ट होती है, यूरिन में दिखती है। ये चीजें आपको जाननी चाहिए, ब्लड में एक लेवल से ज्यादा ग्लूकोज को रिटेन किया जाता है, अगर एक लेवल से ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज हो जाए तो वो ग्लूकोज यूरिन के अंदर आने लगता है और फिर उसको बोलते हैं ग्लाइकोस यूरिया, ग्लाइको यूरिया या ग्लूकोस यूरिया, दोनों नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोस यूरिया या ग्लूकोस यूरिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, या ग्लाइको है या ग्लूको है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही टर्म है, ग्लूकोज इन यूरिन, ये ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, ये ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें है। उसके बाद पांचवा बात करें प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, इसका मतलब क्या होगा? प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन में प्रोटीन आ जाना, प्रोटीन इन यूरिन क्या हो जाएगा? प्रोटीन यूरिया। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, प्रोटीन इन यूरिन। हिमैट यूरिया, हिमैट यूरिया क्या होगा? हिमैटी यूरिया, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आ जाना, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आ जाना, हिमैट यूरिया होती है, ब्लड इन यूरिन। ठीक है, हिमैट यूरिया। उसके बाद सिस्टाइटिस होती है, सिस्टाइटिस क्या होता है? सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर सिस्टाइटिस। नेफ्राइटिस भी होती है, इन्फ्लामेशन इन किडनी एंड नेफ्रॉन्स, नेफ्राइटिस के नाम से जाना जाता है, यहां लिख देता हूं मैं नेफ्राइटिस, ये क्या है? इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन्स, इन्फ्लामेशन उसमें नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन्स। इन्फ्लामेशन के बारे में मैंने कई बार बताया आपको, कई बार इन्फ्लामेशन के चार लक्षण होते हैं, मैंने आपको बता दिया है सब, बहुत बार बताया आपको बायोलॉजी पढ़ाते वक्त, मैंने बहुत बार बताया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया नेफ्राइटिस। एक होता है रीनल कैलकुली, रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, किडनी स्टोन बोलते हैं इसको, किडनी स्टोन हो गया, किडनी में क्या हो गई? स्टोन हो गई, रीनल कैलकुलाई के नाम से जाना जाता है, किडनी स्टोन, ये ध्यान रखेंगे, रीनल कैलकुलाई। अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है, तो वो मोर अमाउंट ऑफ यूरिया यूरिन से एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, यूरिया कंटेंट ज्यादा निकलता है उसकी यूरिन के थ्रू, क्योंकि अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइट ले रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसके यूरिन में यूरिया का कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यूरिया वगैरह बनते हैं, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये था आपका आज का, दैट्स इट, किडनी के बारे में पूरा कंप्लीट। अब मैं डायबिटीज पे कुछ चीजें आपको बताऊंगा, किडनी से रिलेटेड कुछ डायबिटीज बीमारी होती है, डायबिटीज इनसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस भी होती है, टाइप 1 टाइप 2, उसकी मैं आपसे धीरे धीरे बात करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होती है, हड्डियों के बारे में देखेंगे कि हमारा एक्सोस्केलेटन क्या है, एंडोस्केलेटन क्या है, उसके बाद आपका
स्केलेटन के टाइप्स कैसे हैं, किस तरीके से हम पढ़ते हैं, ये भी एक्सियल स्केलेटन क्या होते हैं, उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं, कितने हड्डियां होती हैं, 206 हड्डी है हमारे, 206 हड्डी क्या अभी हमारे बॉडी में है क्या 206 हड्डी, या किसी उम्र में जाकर 206 हड्डी आती है, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, मैंने पूरी कवरेज आपको दी है, इससे ज़्यादा आपको कहीं एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, आपको इससे ज़्यादा किडनी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। और जो भी लोग लेक्चर देख रहे हैं जरूर लाइक करेंगे, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, और कंटेंट मैं अच्छी कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए, कंटेंट बहुत बेहतरीन है, आप अगर एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कंटेंट पता चलेगा कि यस इट इज़ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।